माने वेलकम टू मूवी सूफी। दोस्तों नवरसा का जो रस है मजेदार है और एपिसोड 7 के ऊपर मैं हूँ, जिसका नाम है भया, यानी इंग्लिश के अंदर फियर। बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं इसके अंदर। पहले तो सिद्धार्थ, जो कि बहुत यंग लग रहे हैं और बोलो बहुत डायनेमिक तरीके से उनकी एक्टिंग रही है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पार्वती गॉर्जियस एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसने बहुत कुछ बातें बोली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप ये एपिसोड देख लोगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो आपका सबसे पहले मन में सवाल आएगा कि क्या जेन्युइनली कोई जिन था कि नहीं था, कोई ब्लैक मैजिक था कि नहीं था। देखो ब्यूटी ऑफ दिस एपिसोड है कि इसके अंदर सुपर जो मनगढ़ंत हमारी भावनाएं होती हैं इन सब जादू टोना को लेके और रियलिटी को मिश्रण बनाया गया, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस रखा फियर को। तो दोस्तों पहले जब आपने देखा कि पार्वती जो बुढ़े अंकल हैं उनसे पहले शादी कर लेती है फंसा के, और फिर उसका थैंक यू होने वाला होता है जादू करके, और वो अंकल को पता चल जाता है कि भैया ये जो नवाब साहब हैं, अंकल बोल रहा हूँ मैं उनको, वो जो फियर होता है ना उनके दिमाग के अंदर कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, जो उनको डिस्कवरी हो जाती है, उसके चक्कर में उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनका थैंक यू हो जाता है। ये तो हो गया फियर पार्ट वन। सेकेंड होता है दोस्तों कि जब पार्वती को यह बोला जाता है ओझा द्वारा कि अगर आपने मेरे से किसी तरीके से झूठ बोला और ब्लैक मैजिक कराया तो जिन एक दिन वापस आएगा और अपना बदला जरूर लेगा, वो किसी को नहीं बख्शता, अल्लाह बख्श देता है पर यह जिन नहीं बख्शेगा। तो उसके मन में ना ये बैठ जाता है, और क्योंकि ये बैठ जाता है तो जब सिद्धार्थ उसके घर में आता है कुछ साइन कराने के लिए पेपर, तो उसको ऐसा लगता है कि इसको इतना कुछ कैसे पता है उसकी पुरानी लाइफ के बारे में। तो उसको डर बैठ जाता है कि जैसे जिन आ गया है तो वो लग जाती है बकबक करने के लिए, देखो मैंने कितनी अच्छी डीड्स करी है, मैंने इतना अच्छा गरीबों के लिए किया है, 2.5% की जगह पर मैंने 10% जो है चैरिटी करी है, ये सब करी है, मेरे को बख्श दो। और कहीं ना कहीं जब उसके दिमाग में पैरेलली प्ले चल रहा होता है ओझा की बातें, तो उसको ऐसा लगने लग जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगने लग जाता है सिद्धार्थ की कि ये मुझे बख्शेगा नहीं ये जिन, तो वो खुद ही अपनी जान ले लेती है। तो एंड में ये कंक्लूजन निकलता है, जो डिस्कवरी होती है कि जो सिद्धार्थ का जो बंदा था वो बेसिकली दोस्तों उसका नौकर ही था नवाब का, जिसके फादर को गलत तरीके से पार्वती ने फंसाया था, जिसकी वजह से उसको ऑक्सफर्ड से अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस आना पड़ा, उसकी जो बहनें थी 5 उसकी केयर करनी पड़ी, और सिर्फ कमाने वाले सिर्फ एक ही इंसान था फरूख, जो कि मर गया क्योंकि पार्वती ने सारे घर को तबाह कर दिया था। पहले नवाब साहब को साइडलाइन कर दिया और जो उसका वफादार नौकर था उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। अब सिद्धार्थ जो कि वापस आया बदला नहीं लेने के लिए आया, शायद उसको नीचा दिखाने के लिए आया, बट उसको ऐसा लगा पार्वती को कि मेरा थैंक यू होने वाला है जिन से, तो वो अपनी जान खुद ही ले लेती है। न्यूक्लियस ये निकला कि अगर आपके मन के अंदर चोर है ना, तो आप कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते रहते हो, और वो गिल्ट की वजह से ही वो अपनी जान ले लेती है। इंटरेस्टिंग एपिसोड था, काफी मजेदार था, काफी चीजों का ब्लेंड था इसके अंदर, सुपर नेचुरल का, साइकोलॉजी का, और जो गिल्ट से जो फियर क्रिएट होता है उसका। तो आपने भी कई बार नोटिस किया होगा अपनी पर्सनल लाइफ में, जिनके दिमाग में गिल्ट होता है वो कई बार बोलते ज़्यादा हैं, बातें ज़्यादा बनाते हैं, या फिर अब किसी कोई गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई डबल प्ले चल रहा होता है। तो उस तरीके की सीरीज थी, आर्टिस्टिकली तरीके दिखाई थी, फ्रेम्स बहुत अच्छे थे, सिनेमेटिकली काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे वो जो फॉन्ट स्टाइल था उर्दू में लिखा हुआ था, शायद मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छे से गोल्डन फॉन्ट में था, वो चीज़ मुझे स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगी। देखो अच्छी है। तो एपिसोड 7 हो गया, अब 8 पे जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।